नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस सिंप्लीफाइड चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट 75 यानी स्कॉर्पियन क्लास के थर्ड सबमरीन के बारे में, जो कि इंडियन नेवी द्वारा रिसीव कर ली गई है। तो चलिए देखते हैं। हाल ही में ये न्यूज सामने आई है कि MDL यानी मेजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा इंडियन नेवी को थर्ड कलवारी क्लास सबमरीन डिलीवर कर दी गई है। और फिलहाल इसका पोजेशन भी इंडियन नेवी के पास ही है, जिसको इंडियन नेवी द्वारा बहुत ही जल्द INS करंज के रूप में कमीशन भी कर लिया जाएगा। इसी के साथ प्रोजेक्ट 75 की तीन सबमरीन्स INS कलवरी, INS खंडेरी और INS करंज अब इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं, और कुछ ही समय में बाकी तीन सबमरीन्स भी इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होकर उसकी क्षमता को और भी बढ़ाएंगे। प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी का एक कन्वेंशनल यानी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम है, जिसके तहत नेवल डिफेंस कंपनी DCNS द्वारा डिजाइन की गई स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को MDL द्वारा 6 के नंबर में इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है। वैसे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को 2005 में ही साइन किया गया था और 2012 से इसकी डिलीवरी शेड्यूल की गई थी, पर इन सबमरीन्स के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम के स्लो प्रोक्योरमेंट के चलते इस क्लास की पहली सबमरीन अपने तय समय से 5 साल लेट यानी 2017 में जाकर ही कमीशन हो पाई। बात INS करंज की करें तो इसकी सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट 1775 टन्स, लेंथ 67.5 मीटर्स, बीम 6.2 मीटर्स और हाइट 12.3 मीटर्स है। प्रोपल्शन की बात करें तो इसमें 4 MTU-12V 396 SE-84 डीजल इंजन्स का यूज़ किया गया है, जो कि इसे 20 नॉट्स यानी 37 किलोमीटर पर आर की स्पीड देने में सक्षम है। इन सबमरीन्स में फिलहाल AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है, जिससे इसकी इंड्योरेंस 50 डेज और रेंज 6500 किलोमीटर तक ही लिमिटेड है। परंतु इंडियन नेवी DRDO द्वारा डेवलप किए गए AIP को सबमरीन्स के मिड लाइफ रिपेयर के समय फिट करने का प्लान कर रही है। आर्मामेंट की बात करें तो इसमें 6 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जो कि 18 टॉर्पीडोज या एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है। इसके अलावा टॉर्पीडोज की जगह 30 माइंस को भी कैरी किया जा सकता है। अब बात इसकी सिस्टर सबमरीन्स यानी इस क्लास की दूसरी सबमरीन्स के करंट स्टेटस की करें तो INS कलवारी और INS खंडेरी ऑलरेडी इंडियन नेवी की सर्विस में है। फोर्थ सबमरीन INS वेला फिलहाल सी ट्रायल्स में है, जो कि इस ईयर के एंड तक कंप्लीट कर ली जाएगी। फिफ्थ सबमरीन INS वगीर को नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था और फिलहाल इसके हार्बर ट्रायल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसे 2022 तक कमीशन कर लिया जाएगा। और लास्ट सबमरीन INS बशीर अभी कंस्ट्रक्शन की एडवांस स्टेज में है और इसे 2023 तक कमीशन कर लिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।